नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिना मास्क लगाए घूम रहे 46 लोगों से वसूला जुर्माना। माँ बेटे पर चाकू से जानलेवा हमला। मकर संक्रांति पर कोरोना का साया। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महानगर पालिका के उपद्रव शोध पथक की टीम ने गुरुवार को कार्यवाही करते हुए बिना मास्क लगाए घूम रहे 46 लोगों से जुर्माना वसूल किया। दस्ते ने नियम अनुसार प्रत्येक से 500 रुपए जुर्माना राशि वसूली। इस तरह कुल 23,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। उल्लेखनीय है कि कोविड संक्रमण की तीसरी लहर आरंभ हो चुकी है। रोजाना ही संक्रमितों के मामले बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि अब भी शहर में काफी लोग नियम को दरकिनार कर बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। अगली खबर। वाठोड़ा थाना अंतर्गत गालियां देने से मना करने पर महिला तथा उसके बेटे को चाकू से मारकर जख्मी कर दिया गया। दिघोरी निवासी लीलावती खापरे के घर के सामने योगेश उज्जैनकर तथा उसका भाई उमेश उज्जैनकर गालियां दे रहे थे। लीलावती उन्हें समझाने लगी। दोनों ने लीलावती से मारपीट की। उनके बेटे को भी चाकू घोंप कर जख्मी कर दिया। अगली खबर। मकर संक्रांति का आगमन 14 जनवरी को होने वाला है, लेकिन इसके पूर्व ही कोरोना वायरस का संक्रमण आए दिन बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने कई पाबंदियां अभी से लगा दी है। आने वाले समय में मकर संक्रांति पर्व के ऊपर कोरोना वायरस का साया मंडराने की वजह से धार्मिक आयोजनों को मनाने के लिए सरकारी नियमों का पालन करना पड़ेगा। सरकारी आदेशों के अनुसार धार्मिक आयोजन मंदिर तथा धार्मिक स्थलों में सार्वजनिक स्तर पर नहीं हो पाएंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में ज्यादा लोगों को बुलाकर पूजा अर्चना भी नहीं हो पाएगी। मकर संक्रांति पर्व हर समाज में विभिन्न रूप से मनाया जाता है। हर वर्ग इसे अपने रीति रिवाजों के अनुसार तथा धार्मिक पद्धतियों से मनाता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए केसेस की वजह से सरकार मुस्तैदी से इस वायरस की रोकथाम के लिए आए दिन नए नियम निकाल कर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरों को यही विराम देते हैं। बने रहे MNS न्यूज।